2015 से हम लोग गवर्नमेंट को डिमांड दे रहे हैं कि हम लोग का ले सारे ड्राइवर के लिए एक पेंशन इंश्योरेंस सिस्टम करें, और हाईवे में कुछ रेस्ट रूम ड्राइवर लोग के लिए चाहिए, जो कि 100 किलोमीटर अभी जाते हैं कहीं पे, उनके लिए टॉयलेट ये सब कुछ, रेस्ट के लिए कुछ नहीं, कहीं पे गाड़ी रखते हैं, कहीं चोरी हो जाते हैं, कहीं ड्राइवर को मारते हैं, कहीं गाड़ी अभी रखे हैं, सपोज अभी हम लोग गाड़ी रोड पे रखे हैं, कोई टॉयलेट गया, कहीं कहीं कोई आके बैटरी चोरी करके ले जाता है, कोई ड्राइवर को पीट के पैसा ले लेते हैं। तो इसलिए हम लोग एक डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को एक रोड में, मैंने 100 किलोमीटर कम से कम 100 किलोमीटर में एक रेस्ट रूम चाहिए, जो कि सिक्योरिटी रहेगा, वहां पे गाड़ी रख के ड्राइवर अपना मतलब ये से फ्री से कुछ भी कर लेगा, टॉयलेट करेगा, रेस्ट रूम रेस्ट रह पाएगा, कुछ विश्राम कर पाएगा। इसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को हम लोग बहुत दिन पहले से, एक महीना पहले से हम लोग दे रहे हैं कि 2015 को, मार्च 15 को हम लोग स्ट्राइक करेंगे बोल के। अभी तक भी गवर्नमेंट हम लोग का कोई बात सुना नहीं अभी तक, इसीलिए चल रहा है अभी, आज तो फिलहाल कर रहे हैं। अगर आज गवर्नमेंट कुछ बोल रहा है तो ठीक है, हम लोग रुकेंगे, अगर नहीं मतलब सुन रहा है तो ये आगे भी चलता रहेगा ऐसे स्ट्राइक का। तो हमारा मांगे है, जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसका जो 60 इयर्स के बाद वो बूढ़ा हो जाएगा, उसका एक पेंशन चाहिए। वो बूढ़ा होने के बाद तो जिंदगी भर तो ड्राइवर का समाज का कल्याण किया ना, वो बूढ़ा होने के बाद क्या करेगा, तो उसको थोड़ा कुछ पैसा चाहिए उसको परिवार गुजारने के लिए। ड्राइवर अगर मर गया उसको 20 लाख का बीमा चाहिए, उसको 20 लाख मिलना चाहिए। उसके बाद अगर एक्सीडेंट में हो गया, कुछ हाथ वगैरह कुछ डैमेज हो गया, उसके लिए 10 लाख चाहिए। उसके बाद अगर कुछ थोड़ा सा दिक्कत होता है, कहाँ एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, 6 महीने 7 महीने तक बेड रेस्ट हुआ, उसके लिए 5 लाख का डिमांड किया गया। यहाँ से लेकर 100 किलोमीटर जहाँ होगा वहीं पर अगर शौचालय होगा, गाड़ी का पार्किंग होगा, वहाँ पर होटल होगा, ड्राइवर के लिए रेस्ट के लिए सब जगह होगा। अर्गा स्टेट में है लेकिन ओडिशा में नहीं है। उसके बाद कोरोना महामारी में बाप बेटे को नहीं टच करता है, बेटा भी बाप को नहीं टच करता है, लेकिन ये ड्राइवर हर पेशेंट को लेके हॉस्पिटल जाता है, कोविड पेशेंट को लेके शमशान जाता है। सरकार से गुजारिश है, हम घोषणा करा जाए, हम एक सोल्जर है, ड्राइवर के सोल्जर का मान्यता दिया जाए। हम अभी देखिए 24 घंटा नौकरी की है, हमारा तनख्वाह कुछ अच्छा नहीं है। भारत में जो अमेरिका में गाड़ी चला रहे एक ड्राइवर, उनका ऊपर 6 करोड़ का बीमा होता है, हमारा ऊपर इधर इंडिया में कोई भी बीमा नहीं है, ड्राइवर का ऊपर कोई भी राज्य में नहीं है। इसीलिए मैं भारत सरकार और ओडिशा सरकार से निवेदन करता हूँ, ये ड्राइवर की मांगे जो है, मांगे को पूर्ण किया जाए।